हम लोग भुगतान शेष के संदर्भ में करेंट अकाउंट की चर्चा कर चुके हैं। अब कैपिटल अकाउंट जो भुगतान संतुलन का एक ऐसा अकाउंट है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बर्डन ऑफ फॉरेन कैपिटल को दर्शाता है। विदेश से जहाँ कहीं से भी हम डॉलर का ऋण लेते हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जो आइटम्स होते हैं, मदें होती हैं, उसमें सबसे पहला मद है वो है वर्ल्ड बैंक लोन। वर्ल्ड बैंक से जो ऋण लेते हैं वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। वह मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के कारण सारे देश मिल के एग्रीमेंट किए हुए हैं और IBRD और IDA के सदस्य बने हैं। हम सभी जानते हैं कि 1945 भारत के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्ष है कि जैसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड का पतन हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ, गोल्ड स्वर्ण मान का पतन हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये समस्या उठी कि कैसे देश के सभी व्यापारी वर्ग लेन देन करेंगे दूसरे देश से। पहले स्वर्ण मान के अंतर्गत मुद्रा जो है स्वर्ण सोना का होता था, स्वर्ण मुद्रा होता था। अगर स्वर्ण मुद्रा अधिक है तो हम आयात निर्यात कम भी है तो आयात कर सकते थे और पेमेंट उसका गोल्ड में करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद IMF की स्थापना हुई। IMF का काम है कि केवल भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण देना सदस्य देशों को, और वो डॉलर में या कोई भी करेंसी में, बास्केट ऑफ करेंसी, दो करेंसी, चार करेंसी, मल्टीलेटरल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इनटू होम करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, ये गुण है इसका, ये इसका उद्देश्य है। तो हम पाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो करेंट अकाउंट तो डिस्कस कर लिए, कैपिटल अकाउंट जो है वो देश के ऊपर ऋण के बोझ को दर्शाता है कि कहाँ से हम कर्ज लिए। सबसे पहला कर्ज जो है वो विश्व बैंक से है। अब यहाँ एक और भी प्रश्न उठता है जो आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि विश्व बैंक और IBRD में क्या अंतर है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो आपका जवाब होगा, श्रीमान, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, स्वर्णमान के पतन के बाद, इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट को कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अंतर्गत ये कहा गया कि IMF और IBRD दो संस्थान को स्थापित किया जाएगा। बाद में चल करके IDA की स्थापना हुई। IDA और IBRD में ही अंतर है कि IBRD ब्याज लेकर दीर्घकालीन ऋण देता है और IDA ब्याज रहित दीर्घकालीन ऋण और विकसित गरीब देशों को देता है। इसलिए IDA का बड़ा अधिक महत्व है गरीबी मिटाने में, विश्व की गरीबी मिटाने के लिए, विश्व के पिछड़े हुए देशों का विकास करने के लिए जो ऋण दिया जाता है वो ऋण IDA देता है। तो जब हम IBRD प्लस IDA करेंगे तो इक्वल टू कहलाएगा वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक तथा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में भी अंतर है। जो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक में केवल दो मद होता है और इसमें तीन मद और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तीन मद क्या होगा? तो पहला तो हो IBRD, दूसरा हो गया
IDA, तीसरा हो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका बड़ा ही लचीला व्यवहार है कि ये बिना किसी सरकारी गारंटी के विदेशी मुद्रा में ऋण निजी उद्यमी को देता है। निजी उद्यमी को ऋण IBRD भी देता है, लेकिन वो तब देता है जब भारत सरकार उसका गारंटर बने। लेकिन IFC सरकार के गारंटी लिए बिना ही अपने इंस्पेक्शन के द्वारा, अपने सर्च के द्वारा वो पता लगा लेता है कि इनको, इस निजी फर्म को इंडिया में है या ब्राज़ील में है या अर्जेंटीना में है, तो इसको ऋण देना चाहिए नहीं, और वो अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको ऋण देता है। और उसके बाद आता है आपको दो और इसमें जोड़ा जाता है, एक जो है वो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, और तीसरा है इंटरनेशनल संस्थान है जो डिस्प्यूट जो होता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को हल करने के लिए उसका स्थापित किया गया है। तो इस पांच को दो अगर रहता है तो कहलाता है वर्ल्ड बैंक, और दो और प्लस तीन ही जोड़ दीजिएगा, पांच जब हो जाएगा तो कहा जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से जितना भी ऋण मिलता है ये सब कैपिटल अकाउंट में एंट्री किया जाता है। उसके बाद है विभिन्न देशों से बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, द्विपक्षीय समझौता होता है, और इस समझौता के आधार पर देश को ऋण मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी विश्व के देशों में भ्रमण करते हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आता, ये भ्रमण नहीं है, ये एक दायित्व है कि आप अच्छा रिलेशन बनाकर विदेशों से आप ऋण की प्राप्ति करें, विदेशों से आर्थिक सहायता की प्राप्ति करें, या विदेश को आर्थिक सहायता दें, जैसे भारत जो है नेपाल को आर्थिक सहायता देता है, बांग्लादेश को देता है, जो भी देश की ज़रूरत पड़ता है तो ये आगे बढ़ के देता है, उसी तरह से इसको ज़रूरत है। तो बायलैटरल एग्रीमेंट के मतलब होता है कि हम भी कुछ आपको दे रहे हैं, आप हमको कुछ दीजिए। तो संसार में 192 देश है, 192 प्लस UNO का मेंबर है वो देश है, प्लस कुछ देश ऐसा भी है जो भी मेंबर नहीं है। तो ये इतना जो है, जबकि IMF IBRD का सदस्य अभी भी 189 है। तो सही माने में इसी को हम देश मानेंगे, लेकिन USA के लिस्ट में 192 है। तो इस तरीके से कहता है कि पूरे विश्व में IMF IBRD वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इनसे मिलने वाले ऋण को कैपिटल अकाउंट में दर्ज किया जाता है। और जो विभिन्न देशों से एग्रीमेंट करके जो ऋण लेते हैं तो उसको कहा जाता है द्विपक्षीय समझौता के आधार पर विदेश से ऋण लेना। तो उस सभी ऋण को, मिलने वाले ऋण का एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में गोल्ड स्टॉक का एंट्री होता है, कैपिटल अकाउंट में फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार का एंट्री होता है, और इस सभी एंट्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत पर विदेशी ऋण का बोझ कितना है। इसलिए किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कि वो सचमुच में उसकी स्थिति अच्छी है या नहीं, तो हमें पहले देखना होगा उसका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो लोन वाला अकाउंट है जिसका प्रभाव आपको पड़ना चाहिए करेंट अकाउंट पर, कि आप अधिक से अधिक निर्यात कर सकें, अधिक से अधिक आपका आयात हो, और फिर आयात से निर्यात करें, जैसे हम लोग सोना का आयात करते हैं और फिर उसी का जेवर जेवरात बना के निर्यात करते हैं। तो इन सभी से निष्कर्ष क्या निकलता है कि खुली हुई अर्थव्यवस्था को अगर हम जांचना चाहें कि उसकी आर्थिक दशा कैसी है, तो यही करेंट अकाउंट डेफिसिट CAD अगर है तो ये खतरा है।
क्योंकि कैड का सोल्यूशन तब होगा जब डॉलर में पेमेंट हो या सोना में पेमेंट हो। तो कोई भी देश जो है कैड को बर्दाश्त नहीं करता है, तुरंत उस पर सरकार कोशिश करता है कि कैड को दूर किया जाए। और कैड को दूर करने के एक ही उपाय है कि निर्यात में वृद्धि करना या आयात में कमी करना। अगर दोनों में वृद्धि हो रहा है तो निर्यात का वृद्धि दर आयात के वृद्धि दर से तेज करना। तो इन सब तरीकों से हम देश में डॉलर की प्राप्ति करते हैं। और ये हम लोग देखते हैं भुगतान शेष के प्रतिकूलता को दूर करने के तरीके में। अगर आपसे कोई एक्सपर्ट सवाल पूछ देता है कि ये बताएं मिस्टर एक्स कि अगर आपके देश में 70-75 साल से प्रतिकूल है तो कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो आपका जवाब होगा श्रीमान हमारे देश में जो पिछले 75 साल से भुगतान शेष की प्रतिकूलता आ रही है, इस प्रतिकूलता का सबसे बड़ा जो समस्या हम लोगों को है कि भारत जो है शुरुआती दौर में 1947 से 1990 तक कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, विदेशी मुद्रा खर्च करने पर पाबंदी थी, इंपोर्ट लाइसेंस था, एक्सपोर्ट लाइसेंस था, हाई टैरिफ वॉल था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अनाज की कमी थी। और अनाज की कमी के लिए हमारे देश में 40% अनाज खेत से होता था, 60% अनाज हम लोग अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से आयात करते थे और डॉलर में उसका भुगतान करते थे, नहीं होता तो सोना में भुगतान करते थे, लेकिन अनाज मंगाना हमारी जिम्मेवारी थी। और बाद में चल के अमेरिका के द्वारा एग्रीमेंट हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक पब्लिक लॉ है जिसके अनुसार से अनाज को केवल ट्रांसपोर्ट भाड़ा आप दे दीजिए तो अनाज आपको दे देगी, गरीबी दूर करने के लिए, गरीब लोगों को खिलाने के लिए। तो वही हमारे यहाँ से अनाज आया। और PL 480, उस एग्रीमेंट का नाम है पब्लिक लॉ 480 जो USA का है, वो कहता है कि हमारे पास एनफ अनाज अगर है तो हम कहाँ फेंकेंगे इसको, समुंदर में फेंकेंगे तो वहाँ भी मछलियाँ मर जाएगी, अधिक खा जाएगी, अगर वैसे गोडाउन रखने के लिए नहीं है, इतना अनाज कहाँ करेंगे। तो जो देश को ज़रूरत है अनाज उसको हम दे देंगे और अनाज वो केवल ट्रांसपोर्ट खर्च करके अपने देश ले जाए। तो हमारे यहाँ इस तरह का आयात हुआ और जो अनाज आया उसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अनाज जन वितरण प्रणाली के द्वारा देश के गरीबों तक पहुँचाए ताकि कोई भूख से न मरे। तो कहता है कि किसी भी देश की आर्थिक दशा का पहचान आपके कैड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो सरप्लस है आपके करंट अकाउंट में, तो सरप्लस मनी से आप क्या कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट के ऋण को लौटाइएगा, धीरे धीरे आपके देश के ऊपर बर्डन घटेगा। इसलिए कैड का खात्मा, कैड को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होकर काम करना चाहिए। अब जरा सोचिए कि अगर हम ये निर्णय ले लें कि कार पर नहीं चढ़ेंगे, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट जो सरकार चलाएगी उसी से ऑफिस स्कूल जाएंगे, वीक में एक दिन कार पर परिवार को लेकर घूमने जाएंगे, अगर सारा भारतीय निर्णय ले ले तो 6 महीना ऐसा करने पर पेट्रोल की मांग घट जाएगी। और ये कहलाएगा ऐच्छिक विधि, वॉलंटरी मेथड, कोई सरकार इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ऑड इवन का जो बात है उसमें ये नहीं कह रहा है कि आप नहीं चला सकते, इस नंबर का नहीं चलाइए, लेकिन स्वभावना अगर आपके भीतर हो कि जिस देश में 84% पेट्रोल आयात किया जाता है और मात्र 16% पेट्रोल देश से प्राप्त होता है, तो वैसे देश में सिंगल पर्सन सिंगल कार चाहिए जो USA में है। USA में आप देखेंगे रोड पर, कनाडा में रोड पर आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका रोड पर देखेंगे, वन पर्सन वन कार, और वो फास्ट गति से चल रहा है। लेकिन उसके पीछे से अगर कोई कार आ रहा है जिसमें 3 persons बैठे हुए हैं, तो मैंने कनाडा में देखा कि उसके लिए एक अलग लेन है क्योंकि उसमें 3 व्यक्ति बैठा हुआ है और तीनों को अपने जगह पर पहुंचना है, तो उसके लेन से कोई उस लेन में रुकावट नहीं डालता, वो तेज़ी से निकलता हुआ चला जाता है। तो जिस कार में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं
उसका लेन अलग है, और वहाँ कार जो चलती है, हजार कार आपको चलते हुए नजर आएगा, दूर से कर्व लिया हुआ सड़क है तो नजर आएगा हजार कार लाइट से या उसके मूवमेंट से, लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है। पहले तो बहुत हमको आश्चर्य हुआ कि भाई गाड़ी चल रही है, कार चल रही है और तेजी से चल रही है, 120 किलोमीटर का स्पीड वहाँ मिनिमम है, जो रोड पर चलाना ही है, उसे कम में नहीं चला सकते। बेटा मेरा कार चला रहा था मर्सिडीज, आ एक बार कहा कि डैडी हाथ छोड़ के चलावें, ऑटोमेटिक कर दें ऑटो मोड में, हम कहे ना ना मत करो, लेकिन कर दिया, हाथ ऐसे हटा दिया, हम गए भाई जी पकड़ो पकड़ो, कहे कि हम भी कार 1990 से चला रहे हैं, लेकिन पूरे हैंडल को साइकिल पर पकड़े हुए थे, उसी तरह से स्टेयरिंग पकड़े रहते हैं, अब वहाँ देखे छोड़ दिया, कहा कि इसको हम ऑटो मोड में डाल दिए हैं और 120 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलेगा, देखिए कि कुछ देर तक चला के दिखाया, हम देख लिए ना, देख लिए, तुम हमको यही बराबर साबित करना चाहते हो कि तुम जहाँ रह रहे हो वो विकसित है, और जहाँ पैदा हुए वो अर्ध विकसित, जहाँ हम रह रहे हैं अर्ध विकसित है, तो वो तो मान लिए देख लिए कि प्रवृत्ति भी नहीं है बजाने का, आप नहीं बजाने से कोई। उसके बाद हम पूछे कि एक्सीडेंट, तो कहा एक्सीडेंट इसलिए नहीं होगा कि जिसको भी लाइसेंस दिया जाता है तो फुली ट्रेंड होने के बाद लाइसेंस देता है, ऐसा नहीं कि लाइसेंस ले लिए आप बाद में स्कूटर सीखे, लाइसेंस ले लिए बाद में कार सीखे, ऐसे कई अर्धविकसित देश में चल रहा है जिस पर कि सरकार अब लगाम लगा रही है। तो कार चलाने का है कि आपका आगे का जो कार है उसका पिछला चक्का आपको लगातार नजर आना चाहिए, आपका रफ्तार आपका डिस्टेंस यही होगा, यू ऑलवेज वॉच व्हील्स ऑफ रियर व्हील्स, बैक व्हील्स जो है दो, वो नजर आना चाहिए, और उसी सब का वही प्रिंसिपल है और उसी स्पीड में चलता है। तो हमारा देश अभी उसके लिए सक्षम नहीं है, हमारे यहाँ तो स्पीडे नहीं रहेगा क्योंकि क्राउड है, रोड खराब है, लेन ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग नकल नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडियल मान के कर सकते हैं कि कैसा करें। तो मेरा इसमें आपको सलाह है कि अगर आपसे पूछे कि पेट्रोल की कीमत को कैसे कम किया जाए, तो देखिएगा प्रगतिशील व्यक्ति जो है वो कहेगा कि सरकार टैक्स को कम कर दे, सरकार टैक्स को कम कर दे तो रेट कम हो जाएगा। तो सरकार टैक्स को कम कर देगी तो उससे डिमांड पर तो कोई असर, डिमांड और बढ़ ही जाएगा, पेट्रोल की मांग और बढ़ जाएगी, जब 84% हमारे पास पेट्रोल आयातित है तो पेट्रोल पर तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ाना चाहिए ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन घटे, लेकिन ये कंपल्सन हो गया, ये आज़ादी पर कुठाराघात है। सच्चाई यही है कि देयर शुड बी चेंज इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, कि हर शहर में बड़े बड़े गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी, मझोले कद का गाड़ी, छोटे कद का गाड़ी, 20 व्यक्ति का गाड़ी, 50 व्यक्ति का गाड़ी, 75 व्यक्ति का गाड़ी, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी इन एरिया, उसको चलाने का लाइसेंस दीजिए, और वो जब चलेगा और कॉमन पूल वाला प्रिंसिपल होगा, वॉलंटियरली उसका अवेयरनेस कीजिए, जब जनधन खाता 2 महीने में 30 करोड़ खुल सकता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलने का मूवमेंट क्यों नहीं चलाया जा सकता है, और इससे हम लोग पेट्रोल का खर्च को कम करेंगे, पेट्रोल पर हमारा जो डॉलर का खर्च हो रहा है वो बचेगा तो दूसरे काम में लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में अंतर होता है, लेकिन देश की आर्थिक प्रगति को मापक है करेंट अकाउंट, दैट्स ऑल।